खबर पलामू के पाटन प्रखंड अंतर्गत ग्राम सिकी कला से है, जहां मूल निवासी संघर्ष समिति सिकी कला के सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण बैठक कर मूल निवासी राजा महिषासुर की शहादत दिवस 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार को बड़े ही धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। उपस्थित लोगों ने बताया कि इस कार्यक्रम में बड़े स्तर पर महिषासुर की वास्तविक जीवनी पर आधारित ज्ञान मंच का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम पलामू की धरती पर पहली बार आयोजित की जा रही है। बताया जा रहा है कि इससे पहले सभी स्थानीय विद्यालयों में क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन भी कराई जाएगी, जिसमें चयनित विद्यार्थियों को कार्यक्रम के मंच पर मुख्य अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। आदिवासियों और मूल निवासियों के जानकारों के मुताबिक मनुवादी इतिहासकारों ने वेदों और शास्त्रों में महिषासुर की जीवनी का चित्रण उनके जीवन के विपरीत किया है। बैठक में उपस्थित निर्जल सिंह ने कार्यक्रम पर विशेष प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत में जो मूल निवासियों के रक्षक थे उन्हें राक्षस कहा गया, और जिन्होंने दानवी प्रवृत्ति को अपनाकर लोगों को मारने पीटने व सताने का काम किया उन्हें वेदों व शास्त्रों में देवता बताया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य अपने पूर्वजों के सच्ची इतिहासों को बताकर मनुवादियों के आज से लगभग 4500 पूर्व षड्यंत्रों को उजागर कर हिंदुत्व के दलदल से बाहर निकालकर पुस्तैनी संस्कृति जो आदिवासियों व मूल निवासियों की वास्तविक संस्कृति है उसे अपनाकर अपने मूल धारा में वापस लाने की एक सार्थक प्रयास होगी। बैठक में पाटन सहित चैनपुर व भंडारिया के कई सम्मानित सदस्य भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सर्वसहमति से पाटन के मेराल निवासी निर्जल सिंह चेरो को अध्यक्ष, मुंद्रिका सिंह चेरो को उपाध्यक्ष व पूरन सिंह चेरो को सचिव एवं उप सचिव, राजवीर सिंह चेरो, तो वहीं कोष की जिम्मेवारी लेते हुए तुलसी सिंह चेरो को कोषाध्यक्ष पद के लिए चयनित किया गया, तो वहीं उप कोषाध्यक्ष दीपक सिंह चेरो को बनाया गया। सभी सदस्यों ने इस अहम परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प होकर कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं पाटन से प्रमित सिंह की ये रिपोर्ट। सभी का जोहार भाई, किस भाव से हम लोग जुटे हैं, आगा के नीच धर्म कर्म पर ईमानदार नाता गोता भैया झारखंड, हम लोग झारखंडी परिवार थे। कहा गया कि सारा संसार जा जाने लही दुनिया, और इसी मुनि देवी देवता जन्म ले लो यहाँ, ये साजन दे समर्थ होने का चीज। अब बने पहाड़े मिले जड़ी बूटी, अब कैसरो बीमारी छुट्टी हुआ झम। आप लोग का कहना ठीक है, सब देख के तो लोग मानिए रहा है, जब भी हम लोग अपना पर्वती से पूरा जानकारी नहीं है। इसी तरीका से हमारे शुभ स्वरण आए थे धरती पर, अब सीखी है वातिक में। अगर यहाँ के जाग गया लेकिन ने कि इतना खूनखार सब लेकिन है ने, जो कि पूरा पाटन नहीं, पूरा पलामू, पूरा झारखंड ही सब छपिल जाएगा। सही बात है, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि लोग के जानकारी खाली हो जाना चाहिए कि हमारा भैया फलना फलना है। ये अनेक प्रकार के नेता लोग, अनेक प्रकार के विद्वान लग, मगर हमें भी आता है जरूरी। अब प्रथम नंबर जब आता है ना, तो आप मत सोच लीजिए पूरा झारखंड में नहीं, पूछ लीजिए जब भंडारिया अभय सिंह के उस जगह पर ले गए थे, जो कि पूरा वहाँ खेरवार के बेल्ट मिला, अब सिरजा इतना बढ़िया मिला कि सारा समूह मिला अथी वाला, ये महिला समूह खाली खेरवारी ना, वहाँ टिकट है वो जो ना हाई स्कूल भी है। तो हमें देखिए ये बहुत बढ़िया है, आप लोग सुविधा कीजिए, हम लोग ठीक है, सहयोग है। अभी लोग लेकिन अगर कल बाकी झारखंड सब जाग जाहूँ करूँ हड़ हो नीचे उपलेता के लंगन बड़का बड़का चोर को, तो चोर के धरे लगा तो और तो आप लोग को बताने ही होगी चोर कैसे पकड़ाएगा। नंबर तीन है तो कल बाकी बीत गई से बात गई हो गई पुरानी, और लाबा चौड़ा का बतियाऊँ ठीक है, मुद्दे समझिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ये चीज़ को जान जाइएगा ना, है ना कि बीत गई से बात गई हो गई पुरानी, और लामा चौड़ा का बच्चों कहानी, ये कहानियाँ सब दिना जानते हैं, कहा कि हमारा समझियाना में चीज़ को वहाँ पर पंडित नहीं रहता है पटना में, वहाँ एकदम हमहूँ गए तिलक में मारे अथी सिंहवा था, अरे नहीं लक्ष्मण सिंह कहिए थे, रामेश्वर सिंह, रामेश्वर सिंह वह पंडित बना कि पावन नहीं है भाई, लेकिन धीरे धीरे जब हमू कहे कि भाई कवन पूजा करा रहा है भाई, जानकारी होगा तब ने, तो हम कहे कि खाली बर पताई फलना पताई सब पताई लाया, और मोमबत्ती से उसे जलाया, और तिलक देवा वाला तो है था बाग अथी
अथी के भितकिला के जो लोग थे वो लोग भी चकित हो गया कि कौन पंडित है ये लोग भाई, ये हम लोग कौन अथी में आ रहे हैं, हमें कि नहीं ठीक कर रहा है। जब उराव में अपने सब मानने लगे, खेरवार लोग भी अपना तिलक परथा हटा दिए, अब धीरे धीरे सब कोई ले रहा है, बाकी जखनी तिलकवा लेने रहोगा तो घूस के ले ले लेता है। ये आप ही लोग ने जैसे कि आए थे, चेरो सभा चल रहा था कचहरी पर, हर एतवार के मीटिंग होता है। अब देखिए पुरानी कहना है तो हम सब कहानी बता देते हैं और सबके भी नियम जानते हैं, ऐसा बात नहीं कि हम इससे हम दूर नहीं है। अरे तब लोग वो लोग आ जाएगा अपने ही आप लोग की विदाई कर ऐसी बैठा हुआ था हम कहीं कि इतना ही चेरो लोग है के बैठल है। अनाज सिंह, राजेश्वर सिंह, मैंने रिटायरमेंट जितना आदमी था वह सब बैठल था, मैंने बेरोजगार बेरोजगार न तो रोजगार लेके बैठ गई हलथ तब ना अपन पेंशनवा लागू हो पेंशनर वाला बैठ। हाँ अब हम सोचे थे कि भाई लेकिन कहाँ बतिया रहा है ये लोग, हम लोग के खाली बेरोजगार वाला के आ रहे हैं अपन अपन ही खाली बात रख रहे देवता पितर के तब कहले नहीं कि हम तो बोले नहीं कि सारा संसार जाने लगे दुनिया, सब दुनिया जान रहे हैं। अगर आदमी एकता हो जाए काहे ला ब्राह्मण पूजा करेगा, अब हरि के पूजा काहे ना करिए, अपने माई बाप भले कहे कि अपना माई बाप के अभी फोटो लोग नहीं डालाना घर में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा वो जन्म लिया भगवान तस्लीम हुए, सब कुछ कर्मदाता वो लिखे, जगह जमीन उन्हीं का है, उन्हीं के नाम से बंसौली चलता है, तो उसी को ना हम पूजा करेंगे। जब हमको भंसा सूर हमारे आदिवासी के जब अतिहित के बात था मंत्री था तब उसीलिए तो हम तो इसीलिए वो चेड़ा बार के हमारे ससुर साहब थे तो उनको जानकारी बूढ़ पुरानिया थे तो इसलिए कुछ भी जानते थे, तो हम कहे कि तनी लैकन के आप समझाइए ने ये कैसे आ रहा है भाई, कहाँ से कहाँ आएगा आप ही लोग बताइए ने, कुछ भी वो भी जवाबे दे दिए। तो हम तो भाई इतना ही समझेंगे कि बूढ़ पुरानिया से हम सीखना चाहते थे, वो बेचारे एकदम मोम धरन का बैठे रहे हैं समझे ने। अब ऐसे हम इन भी बढ़िया बतियाते हैं तो हम जानते हैं कि कुछ जानकार में से हैं, हैं चेरू के बारे में कहने लगते हैं, राजा मेदनिया के बारे में कहने लगते हैं कि हम लोग चेरू नहीं हैं ऐसे नहीं है, तो उन्हें चीज़वा के उनको हम कही कि आज इस समाज में आप कहते कि इन लोग के आओ जो जो दूर दूर से आए हैं तो उनके तो जानकारी होने जाता। वो करत करत अभ्यास जड़मती हो सुयान, अगर रात्रि आवत जाओ सिर पर पड़े निशान, तो हम लोग को तो मेहनत करना होगा बिल्कुल, क्योंकि इतना जल्दी जितना जल्दी घुसा रहे हैं ममोरी हम लोग को काम नहीं कर पा रहे, करेगा ही लेकिन इतना जल्दी जितना जल्दी हम लोग चाह पा रहे हैं उधर से आ रहा है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं आशीर्वाद मेहनत के तो मिलेगा एक दिन। जैसा कि अभी शिक्षा पर बोलें तो सबसे बड़ी हम लोग को शिक्षा की ज़रूरत है बिल्कुल, जितना भी कमी है तो शिक्षा में कमी है। अब तिल दूध के बात आया तो तिल दूध के बात में तो हर कोई किसी को कुछ नुकसान पहुंचा देता है चाहे हड़प लेता है तो कल सर सीधे गाय खा गल या तिल दूध पी दिल है ना, तो वो तो वहाँ का बात है कि चलो वो दान दक्षिणा के समय में आ गया और इच्छा पूर्वक का है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पहले जानो उसके बाद मानो, अगर हम जानेंगे नहीं तो उसको ठीक से मानेंगे, चाहे जो भी दुनिया में जितना जो भी प्रकृति का हो चाहे भौतिक का हो आधुनिक का हो सच्चू का हो जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम लोग को मेहनत करना होगा, आप लोगों को मेहनत कराना होगा तब जाकर के इस चीज़ को धरोहर को बचाना होगा, नहीं तो आदिवासी जैसा हम लोग इतना शिक्षित के कारण आज कई वर्गीकरण में चल रहे हैं, हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं, यहाँ जितना भी जुटे हुए कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सर बेकार हो छोड़ सारा इतना आल जाल हो पिए खाए वाला, एक फूल दो माली आज ला दो काल खाली, ये सर झूठ हो के अपने के बुढ़िया दूसर के दाई के तक समझाओगे माई शान के पिए अब खाए बुहे अपन को जाए है ना, तो ठीक है वो सब पीते खाते सब बनाया हुआ है वो से नहीं लेना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत करना है कि आखिर हम लोग इतना संपत्ति जो खर्च कर दे रहे हैं दुर्गा पूजा पर बढ़िया से सोचना है। उस आदमी को अभी हम लोगों को देखा जाए आदिवासी में हरजन में चाहे और गरीब तत्पर के लोग में कहाँ हम लोगों को बाल बच्चा कोई विदेश में पढ़ रहा है
अगर कोई गरीब के बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसको हम जो चंदा लेके कहने उसको कहीं विदेश में भेज दिया जाए कि चले ये एक चीज चाहे किसी भी घराने का है, बिल्कुल ये नहीं जानते हैं कि हमारा वो, लेकिन किसी घराने का अगर ऐसा उज्ज्वल भविष्य चाहता है तो आगे का बचाने के लिए तो सबसे बड़ी शिक्षा की आवश्यकता है। तो ब्राह्मण है तो वो है तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है सर, समझ गए ना। सुनते सुनते बहुत सुने हम, बोले कि सर ब्राह्मण है ना तो हम कहाँ जा रहे थे सर, तो हम तो कॉलेज में पढ़ते सर हैं। कौन कॉलेज थे सर? वो ये रामचंद्र वहीं गढ़वा में कर रहे थे। हाँ, तो हम बोले कि सर आपका तो कथना बहुत ठीक ठाक लग रहा है सर, आपको हम स्वागत करते थे कि ब्राह्मण हैं और श्रेष्ठ हैं आप, लेकिन आप कह रहे हैं कि स्वर्ण है तो सर मैं एसी हूँ और जाके सर दुसाध हूँ, समझ गए ना। अब हमसे सब छुआते हैं लेकिन दुसाध के कहाँ हरजन के जन ऐसे स्थान दिया पैर में सर, लेकिन आप ब्राह्मण हैं ये बताइए सर कि ललाट में तो यहाँ से यहाँ तक टिक्का लेके जाते हैं, कहीं जाते हैं आप यजमान के यहाँ जाते हैं ना तो वहाँ जाते हैं। हम लोग ये बताइए सर तो काहे नहीं कहता कि लीलार लगूँ पंडित जी, काहे कहता है गोल लगूँ पंडित जी, तो आपसे बड़ा हम हुए क्या हुए हमसे बड़ा बताइए, हमसे आपसे बड़ा हम हुए जब गोल के हमारा स्थान दिया गया है और गोल में हम हैं तो गोल लगे पंडित जी काहे कहता है, लीलार लगे पंडित जी कहना चाहिए ना। अब पंडित जी का प्रोफेसर साहब का कुछ जवाब ही नहीं है, समय उधर करके अगला स्टेशन पर दूसरा बोगी में चले गए। अब इतना ताली बजने लगा वहाँ, बोले सब क्या करते हैं सर, सब कि मैं एक बेरोजगार हूँ ऐसे फैसले चलाते हैं और डॉक्टरी करते हैं वही ज्ञान वगैरह नहीं सर, आप बहुत ज्ञानी आदमी हैं एकदम, समाज के भी रहते हैं लेकिन हम कहीं खोलते नहीं हैं क्या मतलब करने से, लेकिन जहाँ नहीं बता सकता हमारा समाज को उल्लंघन किया जाता है वहाँ पे रुकते भी नहीं, बिल्कुल समझ गया ना। तो ये ब्राह्मण लोग हैं, अब ब्राह्मण आप कब अगर अपना सच्चाई को पकड़िए और कब आप राजा बनेंगे, जब ब्राह्मण वास से निकलेंगे, समझ गए ना। सरस्वती पूजा का समय था, हम लोग सरस्वती जी पहले नहीं समझते थे, सरस्वती जी रखे थे हम लोग गाँव में, समझ गए ना। तो हम लोग उतना तो ज्ञान हो गया था कि पंडित ये सब जाल होता है, तो पंडित जी आए तो हम लोग आपस में दोस्त लोग सलाह किए आज पंडित जी को बुलबक बनाएंगे, तो बोला कि ठीक कैसे बनाइएगा, हम बनाएंगे ना आप साथ है ना, तो हाँ साथ पूजा वूजा करा दिए, तो पूजा कराने लगे वो तो बोल रहे हैं कि यहाँ ये गणेश जी है यहाँ का 11-11 रुपये रखिए, तो हम बोले ये पंडित जी तो क्या पंडित जी हमें तो गोबर नजर आ रहा है तो ये गणेश जी कैसे है, गणेश जी रहते तब ना हमें 11 रुपये चढ़ाते हैं, तो हमें गोबर नजर आ रहा है तो हम कैसे चढ़ाएँ यहाँ पर, तो कैसे ये गणेश जी है सब दिन मानता है आपके पिताजी माने आपको भी मानना पड़ेगा, हम ओ मानना पड़ेगा, हम लोग हाँ तो ठीक है हम चढ़ा दिए, हम चढ़ा दिए। अब जब पूजा पाठ करा दिए तो बोले कि सब अपना दीजिए दक्षिणा दान, हमने सुबेरे मिलेगा बाबा जी, अच्छा ठीक बा सुबह हुआ कहा कि गोबर के इतना बड़ा बड़ा लड्डू बना दिए और कागज़ के बढ़िया बढ़िया फाड़ करके नोट बना दिए, अब बना कर जाने लगे पंडित जी कहीं हाँ दक्षिणा लाइए पंडित जी अभी चेला लोग दक्षिणा लाइए, और हम इतना ले जाकर डिब्बा में बढ़िया पैक कर दिए बाबा जी, मिठाई बार हुआ कागज के पैसा दे, अरे ये गोबर है ये लड्डू है ये गोबर मान लीजिए कि लड्डू है, जब हम मान सकते हैं गणेश जी है तो आप क्यों नहीं मान सकते कि लड्डू है, अभी कागज है कागज नहीं है रुपया है, जब हम मान सकते हैं कि अच्छी गणेश जी है अब रुपया भी मानना पड़ेगा, दक्षिणा उतना छोड़ करके पंडित जी इतना भागे कि आज तक दक्षिणा नहीं लेने आए, समझ गए ना। अरे कहने का मतलब है कि हम कर्म करके हम मेहनत करके घर बनाते हैं और पैसा लगाते हैं मेरा पसीना का पैसा लगता है, अब तय करेंगे पंडित जी कि फलां डेट में आपको गृह प्रवेश करना है वो हमको घुसाएंगे तब हम घुसेंगे, ये सब कुछ नहीं है, ये सब ब्राह्मण की जाल है। अब आप लोग जागिए जागरूकता बढ़ाइए, समझ गए ना। और ये जो एसी एक हुई है ओबीसी एक हुई हम लोग 85 हैं, आज कांशी राम जी बहुत सोच समझ करके हाथी छाप रखे थे, क्यों रखे थे, उसका बहुत बड़ा रोल था रखने के लिए, मकसद ये था कि हाथी इतना बलवान शक्तिशाली है जी, समझ गए ना, इतना बलवान शक्तिशाली है कि कहने लग रहे हैं लेकिन उसको पता ही नहीं कि हमको इतना बल है शक्ति है, वैसा ही हम लोग 85% हैं और हम लोग इतना बलवान हैं शक्तिशाली हैं हम लोग नहीं जान रहे हैं, हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, जागिए और समझिए कि 85% है तब 5% 10-15% हम लोग पर राज कर रहा है, क्यों आखिर कर रहा है, बिल्कुल जागना पड़ेगा आपको हमको आपको, तब आने वाली हमारी पीढ़ी स्वतंत्र रूप से जिएगा यहाँ।